कहानी के अंत में हमने एनिमेशन क्रिएटर के लिए एक विशेष सूचना दी है, तो कृपया स्टोरी को पूरा अंत तक देखें। ये कहानी है मदनपुर गांव में रहने वाले चंदू किसान की, जहां गांव के बाकी किसान फसलों की खेती किया करते थे, तो वहीं चंदू फलों की खेती किया करता था। चंदू का बहुत ही सुंदर फलों का बगीचा था, जहां हर तरह के फल चंदू ने उगाए हुए थे। देखो तो जरा, कितना अच्छा बगीचा लग रहा है मेरा। बगीचे को देखकर तो कितना आनंद आता है। सारे फल भी तैयार हो गए हैं, अब बस इन्हें बाजार में ले जाकर बेचना है। एक काम करता हूँ, जल्दी से फलों को तोड़ लेता हूँ। हाँ, जल्दी से तोड़ लेता हूँ। चंदू बारी बारी फलों के पेड़ों के पास जाता और हर फल में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर बाजार में ले जाकर बेचा करता था और अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया करता था। मोहिनी, आज बाजार थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा फल लेकर जाऊंगा तो ज्यादा पैसे आएगा, है ना? ये तो बड़ी अच्छी बात है दीपू के पापा। ज्यादा पैसे आएंगे तभी तो हम दीपू की पढ़ाई के लिए दीपू को हॉस्टल में पैसे भेज पाएंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, भेज दूंगा। दीपू को भी पैसे इस महीने भेज दूंगा। अभी फिलहाल चलता हूँ, शाम को देरी हो जाएगी। चंदू मोहिनी को बोलकर घर से निकल जाता है और अपने बगीचे में आकर फल तोड़ना शुरू कर देता है। इसको तोड़ता हूँ। थोड़ी देर के प्रयास से चंदू ने ढेर सारे फल तोड़ लिए। वाह वाह वाह, कितनी ताजा खुशबू आ रही है इन फलों की। सुगंध ही इतनी अच्छी है कि कोई भी मेरा फल लिए बिना नहीं रह सकता। अब देर किए बिना ही बाजार चलता हूँ। चंदू जल्दी से बाजार में आकर अपनी दुकान लगा लेता है। आओ भैया आओ, सस्ता और स्वादिष्ट फल ले जाओ। आओ जल्दी आओ, स्वादिष्ट फल ले जाओ। आओ भैया आओ। चंदू की आवाज सुनते ही लोग चंदू की दुकान पर आने लग जाते हैं और देखते ही देखते चंदू के सारे फल बिक जाते हैं। अरे भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, फल इतनी जल्दी बिक गए। अरे बिकेंगे क्यों नहीं भाई, इतने स्वादिष्ट फल हमारे गाँव में तो क्या दूर दूर के शहर तक नहीं मिलेंगे। हाँ, बेटा चंदू, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तेरे फलों की चर्चा अब अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी फैल गई है। भगवान करे तू खूब तरक्की करे बेटा, पर जरा लोगों से बच बचा कर काम करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग तेरे से जलने वाले भी होंगे। बेटा थोड़ा बच बचाकर ही काम करना। अरे काका, मारा मुझसे जलने वाला कौन होगा और क्यों मुझसे जलेगा भला? मेरी तो किसी से बात भी नहीं होती इतनी, तो भला मुझसे जलने वाला कौन आ गया? तू नहीं समझेगा बेटा, तू नहीं समझेगा। बस थोड़ा सावधानी से अपना काम करना। अच्छा ठीक है काका, मैं बिल्कुल ध्यान से काम करूंगा। आप तनिक भी चिंता मत करो, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है काका। ये लड़का देखना, एक दिन बहुत तरक्की करेगा। बहुत मेहनत करता है और किस्मत भी इसके साथ होती है। हाँ काका, ये बात तो है, इसकी मेहनत का फल भगवान इसे दे ही देता है। फल तो दे देता है, पर देखना इस पर कैसे मैं इसका बदला लेता हूँ। चंदू हर रोज ऐसे ही फल तोड़ता और उसे बाजार में बेचकर आ जाया करता था। एक दिन जब चंदू बाजार से फल बेचकर आ रहा था, तब उसे पास के शहर के कलेक्टर मिलते हैं। क्या क्या तुम्हारा नाम ही चंदू है? हाँ हाँ माए बाप, मैं ही चंदू हूँ। क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या जो आप पुलिस लेकर आए हैं साहब? अरे नहीं नहीं चंदू, मैं तुम्हारे शहर का कलेक्टर हूँ, तो पुलिस वाले मेरे साथ ही रहते हैं, तुम डरो मत।
दरअसल मैं तो यहाँ तुम्हारे फलों की तारीफ सुनकर आया हूँ। भाई मेरे घर कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम्हारे बगीचे के बहुत सारे फल चाहिए, तो सोचा मैं खुद ही चलूं। भाई मैं भी तो देखूं कि जिसके फलों की पूरे शहर में चर्चा है वो इंसान है कैसा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। ठीक है सरकार, मैं फल आपको दे दूंगा, जितना भी आपको चाहिए। ठीक है चंदू, फिर कल मैं लड़का भेज दूंगा, वो तुमको पैसा भी दे देगा और कल फल भी ले जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये तो कमाल ही हो गया, बड़ी खुशखबरी है। चलकर मोहिनी को बताता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। चंदू की खुशी का तो अब ठिकाना ही नहीं था। चंदू जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी मोहिनी से कहता है, अरे मोहिनी, तुमको पता है आज हमारे शहर के कलेक्टर साहब मुझसे मिले हैं, उनको हमारे बगीचे के बहुत सारे फल चाहिए, वो भी कल ही। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको कल बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा, कल का मुनाफा तो आपको घर बैठे बैठे ही मिल जाएगा। हाँ मोहिनी, पर मुझे अभी बगीचे में तो जाना ही पड़ेगा, फल तोड़कर लाकर रखना होगा। कलेक्टर साहब का नौकर कल किसी वक्त फल लेने के लिए आ सकता है। चंदू बगीचे में आ जाता है। अब बिना देरी किए फल तोड़कर रख लेता हूँ, जल्दी करता हूँ नहीं तो शाम हो जाएगी। चंदू फल तोड़ना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में ही फलों का बहुत सारा टोकरी भर लेता है। चलो फल तो टूट गए, अब इनको घर ले जाकर रख देता हूँ, सुबह किसी भी समय कलेक्टर साहब का नौकर आ सकता है। चंदू ने सारे फल लाकर अपने घर के एक खाली कमरे में रख दिए। अंधेरा भी हो चुका था। चंदू और मोहिनी भी रात का भोजन करकर सो गए। अगली सुबह चंदू जब फलों वाले कमरे में आकर देखता है तो वहां फलों की एक भी टोकरी दिखाई नहीं देती। मोहिनी जल्दी आओ। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कहा तुमने यहाँ से सारे फल हटाए हैं। फल? फल मैं क्यों हटाऊंगी भला? मुझे तो लगा कि सुबह सुबह कलेक्टर साहब का नौकर आया होगा तो आपने उसे दे दिया। फलों की टोकरी तुमने नहीं हटाई, मैंने नहीं हटाई, तो टोकरियाँ गई कहाँ? कहीं हे भगवान, हो गया सत्यानाश। मोहिनी चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई, सब फल चुरा ले गए चोर। अब मैं कलेक्टर साहब को क्या कहूंगा मोहिनी, उनका नौकर भी आता ही होगा। सुनिए, ये समय सोच विचार करने का नहीं है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से बगीचे में जाइए और बचे हुए फल तोड़कर कलेक्टर साहब के घर आप ही फल लेकर चले जाइए और उनको बता दीजिए कि आपके घर में चोरी हो गई है। हाँ हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, यही अच्छा होगा। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। चंदू ने फल तोड़ लिए और कलेक्टर साहब के घर आ गया। अरे चंदू, तुम इतनी सुबह सुबह? अरे मैं लड़का भेजने ही वाला था, तुम क्यों आ गए? अरे साहब कहाँ बताएं, हमने कल शाम को ही फल तोड़कर आपके लिए रख लिया था, पर सुबह उठकर देखा तो सारे फल चोरी हो गए थे, इसलिए मैं सुबह सुबह ही अपने बगीचे से फल तोड़कर सीधा आपके पास ले आया हूँ। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, तुम्हारे जो फल चोरी हुए हैं उसके और इसके पैसे मैं तुमको घर भिजवा दूंगा आज शाम को, तुम चिंता मत करो और आराम से घर जाओ। चंदू घर आकर मोहिनी से कहता है, मोहिनी कलेक्टर साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं भाई, तुमको पता है उन्होंने हमारे चोरी हुए फलों की कीमत भी भिजवाने के लिए बोला है अपने नौकर से। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए कलेक्टर साहब तो फरिश्ता है फरिश्ता। हाँ मोहनी, पर चोरी की किसने इसका पता तो लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है, आज रात को ही पता चल जाएगा कि चोरी किसने की। चंदू फिर बगीचे में जाकर फल तोड़ता है और फलों को तोड़कर फिर लाकर उसी कमरे में रख देता है। अंधेरा हो चुका था, तभी अचानक कुछ आवाज आती है।
लगता है फंस गए चोर, चल कर देखता हूँ। हाय मैया, मर गया रे, मर गया रे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कौन हो तुम दोनों और किसने तुमको यहाँ भेजा है? सच सच बताओ, नहीं तो तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ नहीं नहीं, हमें माफ कर दो चंदू भाई, हमें हरिया और बंसी ने भेजा है। तुम्हारी तरक्की उन दोनों से देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने ये सब करने को कहा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो चंदू भाई। ठीक है तुम दोनों जाओ, इस हरिया और बंसी को तो मैं देखता हूँ। चंदू पुलिस लेकर हरिया और बंसी के पास पहुँच गया। यही दोनों हैं इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इन्हें। अरे अरे, हमने क्या किया है चंदू भाई, जो पुलिस लेकर आ गए तुम। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, उन चोरों ने सब बता दिया है जिनको तुमने मेरे घर चोरी करने को भेजा था, समझे? ये दोनों आज सुनवाएंगे, इनकी थाने में खातिरदारी करनी पड़ेगी, तब अकल आवेगी ठिकाने। चलो रे थाने, तब तारी अकल ठिकाने लगाऊं मैं। इस तरह चंदू किसान ने अपनी चालाकी से अपना दोबारा नुकसान होने से बचा लिया। समय रहते ही सोच विचार कर अपना काम कर लेना चाहिए, यही आज की हमारी कहानी की सीख है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप भी कार्टून स्टोरी बनाते हैं और आपकी ग्रोथ रुकी हुई है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। शुरू के जिनके भी 10 कमेंट होंगे, हम उनके चैनल को अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।